महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच डाला है। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ओलंपिक इतिहास में पहली बार भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। भारतीय टीम का विनिंग मूवमेंट देखकर आपकी आंखें भी छलक पड़ेगी। जैसे ही मैच पूरा हुआ और भारत ने जीत दर्ज की, सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैदान पर ही रोने लगी, जबकि भारतीय महिला टीम ने जमकर इस जीत का जश्न मनाया। गुरजीत कौर के गोल और शानदार डिफेंस के दम पर भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। गुरजीत ने 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर यह अहम गोल किया। इसके बाद भारतीय टीम ने अपनी पूरी ताकत गोल बचाने में लगा दी, जिसमें वह सफल भी रही। गोलकीपर सविता ने बेहतरीन खेल दिखाया और बाकी डिफेंडर्स ने उनका अच्छा साथ दिया। भारतीय टीम मास्को ओलंपिक 1980 में चौथे स्थान पर रही थी, लेकिन केवल 6 टीमों ने हिस्सा लिया था और मैच राउंड रॉबिन आधार पर खेले गए थे। भारतीय हॉकी टीम अपने पूल में दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड को हराकर चौथे स्थान पर रही थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया टीम अपने पूल पर टॉप पर रही। भारतीय पुरुष टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है।